वही उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी अब कांवड़ यात्रा मार्ग में सभी दुकानदारों और ठेली विक्रेताओं को अपना व्यक्तिगत विवरण लिखना होगा। वही 22 जुलाई से शुरू हो चुके कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने नई व्यवस्थाएं की है। मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, श्रद्धालु शिव भक्तों के सकुशल अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने के लिए जरूरी जारी निर्देश किए गए हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री धामी की तरफ से जानकारी दी गई है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। अब जहाँ तक सरकार ने वो नाम लिखने के लिए कहा है तो वो किसी धर्म विशेष के लिए तो कहा नहीं है। अगर हिंदू दुकान लगाया उसके लिए भी तो वही नहीं है ना। तो मुझे अपना नाम लिखना है, मुझे अपना नाम बताने में क्या आपत्ति हो सकती है? सरकार ने ये तो नहीं कहा कि कोई वर्ग विशेष या धर्म विशेष का व्यक्ति अपना सामान नहीं बेच सकता, अपनी दुकान नहीं लगा सकता। सिर्फ इतना कहा है कि अपना नाम उजागर कर दें, जिससे कई बार कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे वाद विवाद उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे दंगे होते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं। पुलिस कांवड़ व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी से 24 घंटे लगती है। ऐसे में और इधर उधर की चीजें ना हो, कोई उपद्रव ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई बलवा ना हो, कोई बिना बात का झगड़ा ना हो, तो उसके लिए एक अच्छा समाधान निकाला है, जो बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। मैं सभी थाना प्रभारियों को, सभी सर्कल अफसरों को निर्देशित किया गया था कि जितने भी दो दुकानें हैं या जितने भी शॉप्स लगी हैं उनके एक तो प्रॉपर तरीके से उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, उसमें प्रोप्राइटर्स जिसके नाम पे वो शॉप है उसका नाम लिखा जाना, क्योंकि QR कोड्स में कई बार धांधली होने की भी संभावना रहती है। कई बार चीज़ें सामने हमारे आती है कि किसी प्रकार की कोई यात्रीगण के साथ मिसबिहेव होता है, कुछ जो सब्जियां हैं या कुछ जो सामान लेना है उसको लेके, QR कोड को लेके लगातार विवाद बना रहता है। उसके लिए एक रेट लिस्ट के साथ साथ QR कोड और जो प्रोप्राइटर्स हैं उनके नाम प्रॉपर तरीके से दुकान में होना चाहिए, ताकि सनद भी रहना चाहिए, जो यात्रीगण वहाँ आ रहे हैं वो किस दुकान से ले रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। हमने योगी ने बोला था ना हमारी सहायता के लिए, हम पहले बहुत परेशान रहते थे, अभी कांवड़ियों को बहुत सुख है। नहीं, हमने मन की मुराद मांगी थी भोलेनाथ से कि हमें लड़का के लड़की हो जाए तो भोलेनाथ तुम्हारी कांवड़ लाएंगे, तो हमारे सफलता हो गई, तो उसके वजह से हम उसकी यात्रा कर रहे हैं। हमारा भला, सबका भला, भोलेनाथ जो जा रहे उसका भी भला होना चाहिए। ये अच्छा कहा है योगी जी ने, बहुत अच्छा है, इससे भक्तों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सके और कोई भक्तों के नाम पे लूट मचा रहे वो नहीं मचा सके, अच्छा किया है योगी जी ने। ये कांवड़ सेवा शिविर दिल्ली UP बॉर्डर कांवड़ सेवा समिति से जाना जाता है, जिसका प्रथम ये कह लीजिए भंडारा दिल्ली में लगा था हमारा, जो आज से 28 साल पूर्व लगा और आज 28वां फिर शुरू होने जा रहा है। और ऐसे ही महादाबाद शिविर जो आज हम 21 तारीख को ओपनिंग करने जा रहे हैं, ये 12वां शिविर है। इसमें हमारा ध्येय एक ही रहता है कि हम कांवड़ियों की सेवा करें, क्योंकि पूरा संस्कृत विश्वविद्यालय पूरा परिसर जो है इस कांवड़ सेवा के लिए खुला रहता है। परमपिता परमात्मा से कामना है कि ये सौहार्द बना रहे।